नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम योगाचार्य अभिषेक राठी है। आज से मैं बेसिक टू इंटरमीडिएट योगा सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। आई होप आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे फिजिकली मेंटली हेल्दी और फिट रहने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे अपनी योगा प्रैक्टिस। कोई भी काम शुरू करने से पहले ईश्वर को याद करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम प्रार्थना के साथ प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आप जो है लेग्स को क्रॉस करके आराम से कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठ सकते हैं या फिर वज्रासन में, कोई भी आसन जिसमें आप आसानी से स्थिरता पूर्वक बैठ सकें। दोनों हाथों को ऐसे ज्ञान मुद्रा बना के रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रहे, आंखें बंद। अब लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, डीप इनहेल डीप एक्सहेल। सारा ध्यान अपनी श्वासों के ऊपर, आती जाती श्वासों को महसूस करें, अपने शरीर को स्थिर करें, मन को एकाग्र करें आज के योग अभ्यास के लिए। हर एक श्वास के साथ पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को फील कीजिए और एक्सहेलेशन के साथ अपने अंदर का सारा तनाव चिंता जो भी आपको समस्या है उसको बाहर निकालते जाएं। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर आज के योगाभ्यास के लिए, दैनिक कार्यों के लिए, इस जीवन के लिए आप हमें शारीरिक मानसिक बौद्धिक आत्मिक शक्ति स्वास्थ्य आरोग्यता ज्ञान बुद्धि विवेक उत्साह प्रदान करें। हम सदैव आपको स्मरण रखें, आप अपनी कृपया को हम पे बनाए रखें, हम आपके आभारी रहें। इसी पॉजिटिव फीलिंग के साथ ईश्वर को याद कीजिए ओंकार के रूप में 3 बार। गायत्री चांट करेंगे, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। स्लोली कम बैक, पाम्स को रब कीजिए, हथेलियों का घर्षण कीजिए, पूरा गर्म कीजिए। आंखों के ऊपर हथेलियों को रखें, आंखों को अंदर ही खोलें और बंद करें। एक बार फिर से, नाउ टच योर आईज फेस होल बॉडी। अब धीरे से आंखें खोलें। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे जॉइंट्स मूवमेंट के साथ में। सबसे पहले लेग्स को फ्रंट में निकालें, हाथों को पीछे रखें, कमर सीधी रखेंगे, पैरों को मिला लीजिए। श्वास छोड़ते हुए एंकल्स को बाहर की तरफ खींचना है और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। एंकल जॉइंट्स मूवमेंट, एक्सहेल डाउन इनहेल अप, टू एक्सहेल इनहेल अप, थ्री। सारा ध्यान अपने मूवमेंट के ऊपर और ब्रीदिंग का विशेष ध्यान रखना है। 4 इनहेल अप एक्सहेल डाउन, 5 6 7 8 9 10। अब रोटेशन करेंगे, ऊपर की तरफ श्वास भरा, नीचे जैसे ही एंकल्स नीचे जाएंगे तो श्वास को छोड़ना है। सेम रिपीट करें, एक्सहेल डाउन इनहेल अप 3 4 5 6
सेवन एट नाइन एंड टेन. अब एंटी क्लॉक करेंगे दूसरी तरफ, सेम करना है, ऊपर श्वास भरेंगे नीचे छोड़ना है. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, पूरा फील करते हुए स्ट्रेच को. नाइन टेन. अब टोज बैंड करेंगे, नेक्स्ट श्वास छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को बैंड करना है. श्वास भरते हुए स्ट्रेट टू एक्सेल इनहेल अप थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. ये है जॉइंट्स मूवमेंट वार्म अप करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए. नेक्स्ट राइट लेग फोल्ड कीजिए, राइट हैंड नीचे से निकाले, रिस्ट ग्रिप करें, बैक नेक स्ट्रेट रखेंगे. अब श्वास भरते हुए लेग ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. थ्री इनहेल एक्सहेल डाउन. फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. होल्ड कीजिए, कुछ देर के लिए रुकें. वन, पंजे को बाहर खींच के रखें, कमर गर्दन सीधी. टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. रिलीज. अब लेग चेंज करें, लेफ्ट लेग फोल्ड कीजिए, लेफ्ट हैंड नीचे से निकालना है, लेफ्ट हैंड की रिस्ट को ग्रिप करेंगे, कमर गर्दन सीधी रहे. अब श्वास छोड़ते फिर से लेग स्ट्रेच अप, श्वास छोड़ते नीचे. टू इनहेल एक्सहेल डाउन. थ्री फोर फाइव सिक्स, मूवमेंट और ब्रीदिंग एक साथ. सेवन इसका ध्यान रखना है. एट नाइन टेन. नाउ होल्ड फोर टेन काउंट. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. रिलैक्स, लेग्स स्ट्रेट. नेक्स्ट करेंगे हाफ बटरफ्लाई. अब राइट लेग फोल्ड करना है आपको ऐसे, राइट एंकल को लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे और लेफ्ट लेग जो आपका है उसको स्ट्रेट रखना है. अब राइट नी को राइट हैंड से पुश करना है नीचे, श्वास छोड़ते हुए, और लेफ्ट हैंड से राइट एंकल को ग्रिप रखना है. श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, नी टू चेस्ट. टू एक्सेल इनहेल अप. थ्री इनहेल अप. फोर इनहेल अप. फाइव इनहेल अप. सिक्स इनहेल अप. सेवन इनहेल अप. एट, पूरा ध्यान अपने अभ्यास के ऊपर. नाइन इनहेल अप. टेन इनहेल अप. अब शेकिंग कीजिए, कोशिश करें घुटने को नीचे जमीन से टच करने की. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. इनहेल अप, रिलीज. अब धीरे से राइट लेग स्ट्रेट. जिन लोगों को नी की प्रॉब्लम है उनके लिए बेस्ट अभ्यास है नी जिनके स्टिफ है, पैल्विक जिनका स्टिफ है. बट जिनको नी की प्रॉब्लम है अभी हाल फिलहाल, उनको इसका अभ्यास नहीं करना है. अब लेफ्ट लेग फोल्ड करके ले जाएं राइट थाई के ऊपर. अब श्वास छोड़ते हुए नी को प्रेस कीजिए, श्वास भरते हुए ऊपर. टू एक्सेल इनहेल अप. थ्री इनहेल अप. फोर इनहेल अप. फाइव इनहेल अप. सिक्स इनहेल अप. ब्रीदिंग का विशेष ध्यान. सेवन एट नाइन एंड टेन. फिर से शेकिंग कीजिए, नी को नीचे टच करने कोशिश करें. वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट नाइन टेन. इनहेल अप. धीरे से वापस आए. अब ये हाफ बटरफ्लाई था, कंप्लीट बटरफ्लाई करेंगे. दोनों पैरों को ऐसे लेग्स को फोल्ड करते हुए पैरों को आपस में मिला लेंगे और फिंगर्स इंटरलॉक करके पंजों को ग्रिप करना है आपको. अपनी कमर गर्दन सीधी रखें, नीज अप्स एंड डाउन करेंगे. जितना हो सकता है इसको फास्ट फास्ट कीजिए. ध्यान रहे कमर गर्दन सीधी. ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, मंथली प्रॉब्लम के लिए. और जिन लोगों की बैक स्टिफ है, नीज स्टिफ है,
उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कीजिए 1 से 2 मिनट, आंखें बंद कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग करते रहें, फोकस ऑन योर ब्रेथ, फील योर ब्रेथ, ऑब्जर्व योर ब्रेथ, और स्ट्रेच को भी फील करें मूवमेंट करते हुए या कोई भी आसन करते हुए। आपको जिस भी बॉडी पार्ट में स्ट्रेच आता है या स्ट्रेन आता है उस पे फोकस करना है आपको, साथ में डीप ब्रीदिंग। ऐसे 1 से 2 मिनट अभ्यास करने के बाद धीरे से वापस आ जाएंगे। लेग्स को सामने करें, हाथों को पीछे रखें, लेग्स को शेक कीजिए 1 by 1, दोनों को एक साथ, लेफ्ट राइट। चलिए अब नेक्स्ट हम करेंगे भू नमन, स्पाइन ट्विस्टिंग करेंगे। हिप्स आपके डाउन ही रहेंगे, सिर्फ स्पाइन को ट्विस्ट करना है लेफ्ट और राइट। जैसे हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो श्वास को छोड़ना है नीचे जाते हुए, आते हुए श्वास भरेंगे, जाते हुए श्वास छोड़ेंगे। इनहेल कम बैक, एक्सहेल लेफ्ट साइड डाउन। जिन लोगों की बैक स्टिफ है, जिनको बैक की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा है। 5, 6 एक्सहेल, 7, 8, 9, 10, 1 साइड होल्ड कीजिए, 10 काउंट, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चेंज, अपोजिट साइड होल्ड करें, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, कम बैक। थोड़ा रिलैक्स कीजिए, 20 to 30 सेकेंड, डीप ब्रीदिंग करें, कमर गर्दन सीधी रखें। अब नेक्स्ट हम करेंगे स्पाइन ट्विस्टिंग, मेरुदंड वक्रासन। राइट लेग को आपको फोल्ड करना है अंदर की तरफ सीधे, और जो लेफ्ट एंकल है उसको बाहर की तरफ स्ट्रेच रखेंगे। अब राइट लेग हमने अंदर मोड़ा है तो राइट हैंड को ही कमर के पीछे रखना है, और जो लेफ्ट एल्बो हमारी कोहनी है उससे घुटने को प्रेस करना है। कोशिश करें कि जो दूसरा घुटना है उसको आप पकड़ पाएं, और पीछे की तरफ देखना है, कमर को पूरा ट्विस्ट करना है। जो लोग घुटने को नहीं पकड़ सकते वो हाथ को ऐसे सीधा भी रख सकते हैं, और पीछे की तरफ शोल्डर के ऊपर से देखें, कंधों को एक सीध में लाने की कोशिश करें, और होल्ड करने के बाद लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें आंखें बंद। कुछ देर रुके रहें, अब धीरे से गर्दन को सीधा करें, दोनों हाथों को भी सीधा करें, पैरों को सीधा करते हुए वापस आ जाएंगे। ये हुआ एक तरफ से, जिन लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम है, शोल्डर पेन है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, और जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है स्पाइन ट्विस्टिंग मेरुदंड वक्रासन। अब नेक्स्ट इसको दूसरी साइड से करना है। अब लेफ्ट लेग फोल्ड करेंगे अंदर, लेफ्ट हैंड कमर के पीछे, राइट एल्बो से नी को प्रेस करना है, पीछे की तरफ देखेंगे, कंधे एक सीध में लाने की कोशिश करें, लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब धीरे से वापस गर्दन सीधी, दोनों हाथ नीचे, लेग्स को स्ट्रेट करें। ये हुआ हमारा सिटिंग प्रैक्टिस जो अब तक हमने किया है। सिटिंग में आज हमें इतना ही फॉलो करना है, इसी सिटिंग सीक्वेंस को 1 वीक के लिए आप फॉलो कीजिए।